हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल अर्थात प्रदीप कोचिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं रणजीत यादव। जैसा कि आप सभी को इंटर फाइनल का फिजिक्स का फर्स्ट पेपर खत्म हो चुका है, सेकंड पेपर की स्टार्टिंग है आज से। जैसा कि आप सभी को फर्स्ट पेपर में पूरा चैप्टर पढ़ाया गया है, उसमें आप सभी का थोड़ा सा कहीं भी किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद आपको तैयारी कराने के लिए हम व्यवस्था तो लिए ही, आप लोगों का तैयारी भी हो जाएगा फर्स्ट पेपर का और सेकंड पेपर आप पढ़ते भी चलेंगे। तो आज जो है फिजिक्स का फिजिक्स पार्ट टू अर्थात फिजिक्स भाग दुई शुरू होने जा रहा है। और थोड़ा सा आप सभी लोग अगर ध्यान देंगे तो इसका एक एक चैप्टर आप पढ़ सकते हैं घर पर बैठकर ही, और 100% गारंटी है कि आपको समझ में भी आ जाएगा। अगर जिस पॉइंट पर जिसमें आपको थोड़ा सा भी संदेह लगता हो कि ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर नहीं हुआ है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट के जरिए आप अपनी कमी को हम तक पहुंचा सकते हैं और आपकी कमी को दूर करने के लिए शाह हम उपस्थित हैं। फिलहाल चलिए ध्यान दीजिएगा, इस कंडीशन में आपको बताया जा रहा है भाग दुई। फिजिक्स तो ऑलरेडी पढ़ा है, फिजिक्स भाग दुई और पहला चैप्टर अर्थात आप लेसन बता सकते हैं। लेसन आपको बताया गया क्या है बाबू, फर्स्ट है, और जिसका पाठ का नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ, जिसे आप प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। थोड़ा सा ध्यान देते रहिए बाबू, आपको बताया जा रहा है कि प्रकाश का परावर्तन, थोड़ा सा ध्यान देते रहिए, प्रकाश का परावर्तन जिसको इंग्लिश में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आपको पढ़ना है, प्रकाश का परावर्तन। फिजिक्स भाग दो का पहला चैप्टर है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसे आप प्रकाश का परावर्तन के बारे में जानते हैं। और प्रकाश चैप्टर आप हाई स्कूल से ही पढ़ के चले आए हैं, तो यहाँ पर पहले हमको प्रकाश के बारे में जानना है कि व्हाट इज लाइट अर्थात प्रकाश क्या है। तो इस कंडीशन में पहले हम प्रकाश के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि प्रकाश सबके जीवन में जरूरी होता है, जिसके जीवन में प्रकाश नहीं होता है तो उसकी पूरा जीवन जो है अंधमय अर्थात अंधकार के रूप में हो जाता है। तो चलिए आज हम सब लोग उस प्रकाश के बारे में चर्चा करेंगे, जिस प्रकाश का आपको बताया गया एक एक पशु पक्षी जीव जंतु सबके लिए जरूरी होता है प्रकाश। तो आप सभी को प्रकाश के बारे में बताया जा रहा है। प्रकाश इन ब्रेकेट में आप बता सकते हैं बाबू लाइट, लाइट माने ही होता है प्रकाश। तो फर्स्ट हेडिंग आपको प्रकाश बताया जा रहा है। जैसा कि प्रकाश की परिभाषा आपको बताया जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, बताया गया आपको प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है। दृष्टि ज्ञान माने होता है आंखों की ज्ञान को जागृत, यानी जागरूकता देना या जागृत करना। ऊर्जा का क्या बात है, ऊर्जा आप सभी लोग जानते हैं, किसी व्यक्ति द्वारा कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहा जाता है, या बता सकते हैं द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, अर्थात कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहा जाता है। और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, इसका एसआई पद्धति में मात्रक जूल बताया गया, और ऊर्जा एक अदिश राशि होती है। तो आपको प्रकाश की परिभाषा दिया गया बाबू, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है, या दूसरा परिभाषा आप दे सकते हैं, प्रकाश वह भौतिक साधन अथवा कारण है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, अर्थात प्रकाश नहीं है तो आप किसी वस्तु को देख नहीं सकते हैं। इसलिए आपको बताया गया प्रकाश का सबके जीवन में होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्रकाश के द्वारा ही जब हम किसी वस्तु को देख नहीं सकते हैं, तो आप बताइए प्रकाश की उपयोगिता आपके लाइफ में हुआ या नहीं हुआ। हो गया भाई, अगर प्रकाश नहीं है तो हम किसी वस्तु को देख नहीं सकते हैं, किसी वस्तु या कोई भी चीज़ नहीं देख सकते हैं। इसलिए आपको प्रकाश बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर भी माना जाता है, और फिजिक्स भाग दो का पहला चैप्टर अर्थात आपको बताया गया, अगर फर्स्ट चैप्टर की शुरुआत अच्छे से हुई तो शायद लास्ट तक आपका अच्छा ही रहेगा। तो हमारे समझ से आप बने रहिए और किसी को कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आपको प्रकाश की परिभाषा दिया गया, एक नहीं दो दो परिभाषा, कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है अर्थात प्रकाश से ऊर्जा भी प्राप्त होता है, और बताया गया प्रकाश से हमको विटामिन भी मिलती है। तो इस कंडीशन में प्रकाश की परिभाषा दिया गया, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है,
और अथवा बताया गया प्रकाश वह भौतिक साधन अथवा कारण है जिसके द्वारा ही हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। तो पहले परिभाषा आपको लिख दिया जा रहा, ध्यान दीजिएगा, बताया जा रहा बाबू प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है। आर माने अथवा आप बता सकते हैं बाबू, प्रकाश वह भौतिक, प्रकाश वह भौतिक साधन अथवा कारण है, प्रकाश वह भौतिक साधन अथवा कारण है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है, या प्रकाश वह भौतिक साधन अथवा कारण है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। अब आपको प्रकाश के चाल की बात की गई बाबू, प्रकाश की चाल, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। प्रकाश की चाल से दो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या विकल्प के रूप में बनता है कि प्रकाश की चाल सर्वाधिक किसके लिए होती है और सबसे कम किसके लिए होती है। यहाँ पर आपको प्रकाश की चाल केवल दो के लिए नहीं, पांच पांच के लिए बताया जाएगा, और थोड़ा सा ध्यान देंगे तो सबका सब क्लियर हो जाएगा। नंबर एक आपको बताया जा रहा बाबू, निर्वात या वायु के लिए, निर्वात या बताया गया आपको वायु के लिए, जबकि आप सभी को पता है निर्वात माने होता है जहां पर वायु की उपस्थिति ना हो, अर्थात आप बता सकते हैं बल्ब, बल्ब में से वायु को निकालकर उसमें निर्वात या निष्क्रिय गैस के रूप में डाल दिया जाता है, अर्थात इस कंडीशन में बता दिया गया कि बल्ब का जो बल्ब में उपस्थित गैस होता है उसमें निष्क्रिय गैस या बता सकते हैं नाइट्रोजन और आर्गन का संयुक्त मिश्रण भी होता है। किस अवस्था में बताया गया निर्वात माने जहां पर वायु की उपस्थित ना हो, और वायु माने ऑलरेडी आप सभी लोग जानते हैं हवा ही होता है। इस कंडीशन में इसकी चाल होती है बाबू 3×10^8 और मीटर प्रति सेकंड। और इस कंडीशन में एक बात ये जानना जरूरी है कि घात सबकी तो 8 होगी और उसके साथ साथ उसका मात्रक भी सेम होगा, अर्थात मीटर प्रति सेकंड। तो चलिए आप नंबर दूसरा पॉइंट निर्वात या वायु के लिए हो गया, उसके बाद आपको बता दिया जा रहा है जल के लिए। जल के लिए जो होता है बाबू 2.25 और 10^8 और ये भी मीटर प्रति सेकंड होता है। और नंबर तीसरा पॉइंट बता दिया गया आपको कांच के लिए, कांच अर्थात शीशे के लिए, कांच के लिए होता है बाबू 2×10^8 और मीटर प्रति सेकंड होता है। और नंबर चौथा पॉइंट जो होता है वो बताया गया आपको तारपीन तेल के लिए, तारपीन तेल के लिए, तारपीन तेल के लिए जो होता है बाबू वह 2.04×10^8 और मीटर प्रति सेकंड होता है। और इसका लास्ट स्टेप अर्थात पांचवा प्रकार बताया गया होता है नायलॉन के लिए, नायलॉन के लिए होता है बाबू 1.96×10^8 और होता है बाबू मीटर प्रति सेकंड, अर्थात जिसे आप कह सकते हैं 1.96×10^8 मीटर पर सेकंड होता है। और यहाँ पर दो आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या बना बाबू कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसके लिए होता है, तो आप बता सकते हैं निर्वात या वायु के लिए। और दूसरा क्वेश्चन है प्रकाश की चाल सबसे कम किसके लिए होता है, तो आप बता सकते हैं नायलॉन के लिए। तो आप इतना क्वेश्चन पहले आप नोट कीजिएगा, उसके बाद आपको आगे बताया जा रहा है। चलिए ध्यान दीजिए बाबू, अगला हेडिंग आपको बताया जा रहा है प्रदीप्त वस्तुएं जिसे आप इल्यूमिनेंस कहते हैं। Thank you.
प्रदीप्त वस्तुएं इन ब्रैकेट में आप ल्यूमिनस ल्यूमिनस के अंतर्गत प्रदीप्त वस्तु में आ गया, ना कि आपको ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट डालना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट माने भी वस्तु होता है, केवल ल्यूमिनस के अंतर्गत प्रदीप्त वस्तु हो गया। अब हम सभी लोग प्रदीप्त वस्तु के बारे में चर्चा करेंगे कि प्रदीप्त वस्तु है क्या। तो आप सभी लोगों को पता है कि प्रदीप्त वस्तु जो है बताया गया वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश को उत्सर्जित करती है, वे वस्तुएं जो स्वयं या स्वतः प्रकाश को उत्सर्जित कर देती है वही प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे कि आप सभी को बताया गया लालटेन धरा के या मोमबत्ती धरा के या सूर्य हुआ या बताया गया विद्युत बल्ब आदि हुआ। कुल एग्जाम्पल भूल जाओगे लेकिन शायद लालटेन धरा इतना ही भूल जाओगे। तो आपको बताया जा रहा है बाबू कि प्रदीप्त वस्तुएं है क्या, और वो दिमाग में आप लोग पहले से चल रहा था इसीलिए हम बोल दिए भाई। तो बताया गया प्रदीप्त वस्तु की बात की गई, तो प्रदीप्त वस्तु में बताया गया बाबू वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश को उत्सर्जित करती हैं, वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश को उत्सर्जित कर देती हैं वही प्रदीप्त वस्तु अर्थात ल्यूमिनस कहलाती हैं। जैसे मोमबत्ती, आपको बताया गया विद्युत बल्ब हुआ, लालटेन हुआ, सूर्य हुआ आदि हुआ, ये सब प्रकाश को क्या करती है उत्सर्जित करती है। अर्थात सूर्य का उदय होता है तो हमें प्रकाश प्राप्त होता है, अर्थात प्रकाश का उत्सर्जन होता है। जब लालटेन आप धरा देते हैं तब भी उससे प्रकाश का क्या होता है उत्सर्जन होता है, या मोमबत्ती जला दिया जाता है तो उससे भी प्रकाश का उत्सर्जन होता है, या आपको बताया गया लाइट आ जाती है विद्युत बल्ब जलने लगता है तो भी प्रकाश का उत्सर्जन होता है, या आप बता सकते हैं देवरी को जला दिया जाता है तब भी प्रकाश का उत्सर्जन होता है, क्योंकि कहीं कहीं किसी किसी घर में अभी भी डेवरी का प्रयोग किया ही जाता है। तो फिलहाल ध्यान दीजिएगा, परिभाषा आपको बताया जा रहा बाबू कि वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्सर्जित करती है, वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्सर्जित करती है वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्सर्जित करती हैं प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं जैसे पहला एग्जांपल लालटेन, दूसरा आप बता सकते हैं मोमबत्ती, तीसरा आप बता सकते हैं विद्युत बल्ब, चौथा आप बता सकते हैं सूर्य इत्यादि, और भी ले सकते हैं हालांकि इतना एग्जाम्पल ठीक है। ये सब वस्तुएं प्रकाश को उत्सर्जित करने वाली हैं, अर्थात ये प्रदीप्त वस्तुएं हैं। कभी कभी एग्जाम्पल ही पूछ लिया जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि इनमें से कौन सी प्रदीप्त वस्तु है, तो चारों में से एक ऑप्शन में दे दिया जाएगा, तो आपको ट्रिक लगाना पड़ेगा। अगर आप ध्यान से माइंड को कंसंट्रेट करके अगर आप सोच भी लेंगे तो ये आपको लग जाएगा कि ये प्रदीप्त वस्तु और ये अदीप्त वस्तु, लेकिन उसके लिए आपको परिभाषा का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो दूसरी कंडीशन जो होती है वह अप्रदीप्त वस्तुएं, अप्रदीप्त वस्तु जिसे नॉन ल्यूमिनस कहते हैं, अप्रदीप्त वस्तुएं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ब्रेकेट में आप बता सकते हैं नॉन ल्यूमिनस। अब नॉन ल्यूमिनस की बात क्या की जा रही, ध्यान दीजिएगा, अप्रदीप्त वस्तु जिसे आप कहते हैं, बताया गया बाबू कि वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करती हैं, बल्कि किंतु परंतु लेकिन, ये सब जहां आ जाएगा थोड़ा सा विराम लेना पड़ता है क्योंकि आपको पता है बात बिगाड़े तीन, किंतु परंतु और लेकिन, जहां ये तीन शब्द का प्रयोग किया जाता है वहां बनी बात भी बिगड़ जाती है। कहने का मतलब आपको बताया गया नॉन ल्यूमिनस जिसे आप प्रदीप्त वस्तु के नाम से जानते हैं, परिभाषा दिया गया बाबू कि वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करती हैं बल्कि प्रदीप्त वस्तु के आपतित होने पर, आपतित माने बाबू पड़ने पर वे वस्तु हमें दिखाई देती हैं। अर्थात जैसे कुर्सी, मेज, पृथ्वी, चंद्रमा, जब तक इस पर प्रदीप्त वस्तु का फोकस नहीं पड़ेगा तब तक ये वस्तु हमें दिखाई नहीं देगा, अर्थात जब तक हमारे आंखों पर प्रकाश नहीं होगा तब तक हम किसी वस्तु को देख नहीं सकते हैं, तात्पर्य यही निकल रहा है। तो सेम कंडीशन प्रदीप्त अप्रदीप्त वस्तु की बात की गई
कि अप्रदीप्त वस्तुएं जो होती हैं वह स्वतः प्रकाश को सर्जित नहीं करती हैं, बल्कि होता क्या है कि उस पर प्रदीप्त वस्तु का फोकस पड़ता है तब वह वस्तु हमको दिखाई देता है, और नहीं तो आप किसी वस्तु को देख नहीं सकते हैं। अगर आपके आंखों में प्रदीप्त वस्तु नहीं होगा या प्रकाश नहीं होगा तो आप किसी वस्तु को देख नहीं सकते हैं। तो वही बात हो जाएगी कि जो आंखों के रहते अंधे हैं और वह बीज जहर का बोता है और चोरी से हर कर पर नारी जो रण में सम्मुख होता है। अर्थात कहने का मतलब आपको अप्रदीप्त वस्तु का बोध कराया जा रहा है, बताया जा रहा है। अप्रदीप्त वस्तु में आपको यही बताया गया कि वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करती हैं, बल्कि प्रदीप्त वस्तु के आपतित आपतित माने भी बताया गया बाबू पढ़ने पर, प्रदीप्त वस्तु के पढ़ने पर वह दिखलाई देती हैं, इसलिए बताया गया बाबू अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया आपको पृथ्वी चंद्रमा कुर्सी मेज आदि, जब तक इस पर प्रदीप्त वस्तु का फोकस, चलिए ध्यान दीजिए बाबू, इस कंडीशन में आप प्रदीप्त वस्तुओं की परिभाषा आपको बता दिया गया, अब लिखा जा रहा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि बताया जा रहा आपको वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती। जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती, बल्कि प्रदीप्त वस्तु के आपतित होने पर प्रदीप्त वस्तु के आपतित होने पर दिखलाई पड़ती हैं, बताया गया बाबू अप्रदीप्त वस्तु कहलाती हैं। अप्रदीप्त वस्तु कहलाती है जैसे आप सभी को बताया जा रहा है और बताया भी गया पहले, जैसे बताया गया कुर्सी हुआ, मेज हुआ, डेस्क हुआ, बेंच हुआ आदि पर आपको बताया गया, जब तक यानी प्रदीप्त वस्तु का फोकस नहीं पड़ेगा तब तक ये वस्तु हमें दिखाई नहीं दिया देगा, या पृथ्वी चंद्रमा आदि भी कह सकते हैं। तो एग्जांपल आप सभी को बताया गया बाबू, जैसे कुर्सी मेज पृथ्वी चंद्रमा इत्यादि, अर्थात ये आपका हो गया बाबू अप्रदीप्त वस्तुएं, जिसको इंग्लिश में नॉन ल्यूमिनस कहते हैं, और परिभाषा के अनुसार आपको एग्जांपल बताया गया, कुर्सी हुआ, मेज हुआ, पृथ्वी हुआ, चंद्रमा हुआ, जब तक इस पर प्रदीप्त वस्तु का फोकस नहीं पड़ेगा तब तक ये वस्तु हमें दिखाई नहीं देगा, इसलिए यही नॉन ल्यूमिनस है। तो इतना आप नोट करेंगे, उसके बाद आगे प्रक्रिया आपको बताया जा रहा है। प्रकाश का परावर्तन माने चोरे ध्यान हमेशा गठरी तो कहने का मतलब जो है हमेशा तुम्हारा ध्यान खाने पर ही रहता है। अरे बफर सिस्टम का मतलब पढ़ाई बफर, और एक आतन बफर सिस्टम का मतलब पतरिया ना मिले। चलो ध्यान दिया इधर देखिए बाबू, प्रकाश का परावर्तन जिसको इंग्लिश में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है, और परावर्तन माने आपको ऑलरेडी ही बता दिया गया बाबू, टकरा कर वापस लौटने की जो क्रिया होती है वही प्रकाश का क्या होता है, परावर्तन होता है। जैसा कि आप सभी लोगों को परिभाषा बता दिया गया बाबू कि जब कोई वस्तु किसी चिकने पृष्ठ पर टकराता है और टकरा कर पुनः वापस लौट आता है, यही घटना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। और प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, केवल दो नियम बताए गए, एक आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं, और दूसरा आपतन कोण इक्वल होता है परावर्तन कोण। तो आप सभी को प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन का तात्पर्य केवल यही बताया गया बाबू, टकरा कर पुनः वापस लौटना। तो ध्यान दीजिएगा परिभाषा दिया जा रहा बाबू, जब कोई वस्तु किसी चिकने पृष्ठ पर टकराता है जब कोई वस्तु किसी चिकने पृष्ठ पर टकराता है तो
टकराकर वापस लौटने की क्रिया या घटना को बताया गया बाबू, जब कोई वस्तु किसी चिकने पृष्ठ पर टकराता है, टकराकर वापस लौटने की क्रिया या घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। केवल परावर्तन का तात्पर्य यही बताया गया बाबू, टकराकर पुनः वापस लौटना होता है। जैसे कि आपको बताया गया कोई वस्तु बॉल है, और आपको बता दिया गया कोई चिकना पृष्ठ दीवाल हुआ, या आप कोई और ले सकते हैं, जब दीवार पर गेंद को टकराया जाता है तो टकराकर पुनः वापस लौटती है, वही क्रिया ही प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। जैसे आप सभी को बता दिया जा रहा है, इसी के अंतर्गत नियम भी बता दिया जा रहा है। ये आपको बता दिया गया बाबू, एक दर्पण है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसा कि आपको बता दिया गया, एक प्रकार का दर्पण है, जिस दर्पण को आप समतल दर्पण के नाम से भी कह सकते हैं। आपका यम है और एम डैश है, और दर्पण आपको बताया गया था, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार होता है दर्पण। तीन प्रकार कौन कौन सा, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और समतल दर्पण होता है। अगर गोलीय दर्पण की बात की जाएगी तो केवल गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल और उत्तल। इसी में लोग थोड़ा सा कन्फ्यूज भी रहते हैं, तो कोई बात नहीं, चलने दीजिए, आने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इस अवस्था में आपको बताया गया दर्पण की बात की गई, तो दर्पण की बात की गई, जैसे कि आपको यम1 और यम2 एक दर्पण बता दिया गया, ये आपका यन और यन डैश आपको बता दिया गया अभिलंब है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बाबू, ये आपका यन है, जिसे आप अभिलंब के नाम से जान सकते हैं। और इस पर आपको प्रकाश किरण आपको बता दिया गया बाबू, ये आपका प्रकाश किरण है, इधर से प्रकाश की किरणें आता है और दर्पण पर टकराता है और पुनः बताया गया वापस लौट जाता है। कहने का मतलब ये आने का प्रतीक एरो का चिन्ह से ही कंफर्म हो जाएगा, और ये आपका दर्पण पर टकराएगा, टकराने के पश्चात पुनः वापस लौट जाएगा, यही प्रक्रिया ही बताया गया प्रकाश का परावर्तन है। जैसा कि आप सभी को बता दिया गया, ये आपका आपतित किरण है, आपतित किरण है, और ये आपको बता दिया गया परावर्तित किरण है, परावर्तित किरण है, और यहाँ पर आपको बता दिया गया आपतन कोण किससे प्रदर्शित की जाती है, आई से। और यहाँ की बात की जाए तो यह आपका परावर्तन कोण है, जो प्रदर्शित की जाती है कोण आर से। तो ध्यान दीजिएगा, केवल इतना आपको ध्यान देना है बाबू, कि अब प्रकाश के परावर्तन के नियम की बात की गई, तो आप बता सकते हैं या बताया भी गया है, प्रकाश के परावर्तन के निम्नलिखित दो नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के निम्नलिखित दो नियम हैं। नंबर एक, फिगर में देखिए, कभी नहीं बोल सकते हैं आप। नंबर एक नियम बताया गया बाबू, आपतित किरण और बताया गया परावर्तित किरण, ये आपका है आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, ये अभिलंब खींचा गया बाबू, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं, परावर्तन का फर्स्ट नियम। और दूसरा नियम आपको बताया गया बाबू, आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं, अर्थात इस कंडीशन में कोण आई बराबर आप बता सकते हैं कोण आर की, यही प्रकाश के परावर्तन के नियम है। दो नियम बताया गया, एक बार पुनः देख लीजिए, आप इतना खुद ही कर सकते हैं कि बाबू आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा बताया गया आपको, आपतन कोण इज इक्वल परावर्तन कोण, अर्थात आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। अब आपको बताया गया प्रकाश चैप्टर में आपको प्रकाश का परिभाषा, प्रकाश की चाल, और प्रकाश की चाल में एक पॉइंट और बढ़ा सकते हैं कि प्रकाश के चाल या वेग की गणना किसने की, रोमर ने किया, जैसा कि आपको पहले बताया गया। या प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, आपको बताया गया 499 सेकंड, या कहीं कहीं दिया रहता है 502 सेकंड, अर्थात 499 सेकंड को आप बता सकते हैं बाबू 8 मिनट
19 सेकंड और 552 को बता सकते हैं बाबू 8 मिनट, आपको बताया गया 22 सेकंड, अर्थात दोनों में से एक दिया रहेगा, एक पर आप कर सकते हैं, लेकिन कंफर्म यही है 499 सेकंड, जो 8 मिनट 19 सेकंड के नाम से जाना जाता है। अगर ये प्रक्रिया नहीं है तो ये कंफर्म दिया रहेगा 8 मिनट 22 सेकंड। और बताया गया प्रकाश को चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, केवल 1.28 सेकंड का समय लगता है। जैसा कि ये सब प्रक्रिया आपको पहले से ही बताया गया है, इसमें भी बता दिया जा रहा है। तो प्रकाश चैप्टर में या फिजिक्स पार्ट टू में जहां तक पढ़ाया गया, हमारे समझ से किसी को कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपको बताया गया दिक्कत नहीं है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन बटन दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, साथ साथ अपने मित्रों में शेयर भी कीजिएगा, और आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपने इच्छा के अनुसार बेधड़क कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।